हमारे साथ मुकेश रोशन है, आरजेडी विधायक। मुकेश जी, तेजस्वी आए, सारे कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, समर्थन में खड़े, क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, आप सब लोग देख रहे हैं कि बीजेपी ये नौटंकी कर रहा है और हमारे नेता को जब जब चुनाव आता है तब तब हमारे नेता को तंग किया जाता है। ये कभी ईडी को आगे कर देता है, कभी आईटी को आगे कर देता है, कभी सीबीआई को आगे कर देता है। तो हमारे नेता ना तो डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। भारी भीड़ दिख रही है कार्यकर्ता। देखिए, पूरा जन सैलाब है, आप जान जाइए कि ये जनता की अदालत में हम लोग जाएंगे और जनता हम लोग को न्याय देने का काम करेगा। हम लोग ना तो झुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है, लेकिन 19 जनवरी को नोटिस जारी हुआ था कि आज आना है। अच्छा, सरकार भले 48 घंटे पहले, सब लोग प्री प्लान था कि 28 तारीख को सरकार जो है वो शपथ लेगी, 29 तारीख को लालू जी को आना है और 30 तारीख को तेजस्वी जी को आना है। ये सब प्री प्लान था। ये सब बीजेपी के लोग पहले से जान रहे थे कि ये जब तेजस्वी यादव जी को जब जब तंग करेंगे तभी हम लोग को चुनाव में फायदा होगा। लेकिन जान जाइए, न लालू जी डरने वाले हैं न तेजस्वी जी डरने वाले। अच्छा, हमारे साथ और भी आरजेडी के नेता इजराइल मंसूरी मंत्री थे। इजराइल मंसूरी जी, आप लोग टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं कि 48 घंटे पहले सरकार गई, अब पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन नोटिस तो 19 जनवरी को जारी हुआ था कि आना है। ये पटकथा लिखी जा रही थी, ये पूर्व प्लानिंग था, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। हम वीर लालू यादव और तेजस्वी यादव के सिपाही है। अब जनता जन संग्राम होगा, देखते हैं कौन वीर बलिदानी है, किसके धमनी में खून और किसके धमनी में। अब लड़ाई ठनक गई, एकदम जनता के बीच हम लोग जाने का काम करेंगे और जनता इसका न्याय करने। आप लोग भारी संख्या में यहाँ पे पहुंचे, मतलब ये दिखाने की कोशिश है कि आप लोग एकजुट हैं अपने पार्टी नेता के साथ। पूरी इंटेक्ट है, पूरा बिहार का छात्र, नौजवान, बेरोजगार, जिनको रोजगार मिल रहा था, वो तमाम लोग, बिहार के लोग मायूस है और तम लोग, सब लोग वीर तेजस्वी की तरफ निगाह करके देख रहे हैं। लालू यादव से भी 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी, आज तेजस्वी से भी लंबी पूछताछ हो सकती है। क्या लगता है कि गिरफ्तारी भी संभव है या नहीं, या सिर्फ डराने की कोशिश हो रही है, क्या लग रहा है? देखिए, जो अभी तक को जो स्थिति रहा है, ये लोग जब जब चुनाव आता है तब तक जो है से ईडी और सीबीआई सब लगता है, इसलिए बिहार की जनता डरने वाले नहीं है। और लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा रहे हैं और उनके वीर तेजस्वी यादव गरीबों की सामाजिक न्याय की बात करने वाले, लोग झुकने वाले नहीं है। लोग ये कहते हैं कि 2004 से 9 तक का ये मामला है जब तेजस्वी बच्चे थे, लेकिन आरोप तो ये है कि लालू जी रेल मंत्री थे, लोगों को नौकरी दे रहे थे और जो लोग नौकरी पा रहे थे वो लोग करोड़ों की जमीन सस्ते दाम में लालू परिवार को बेच रहे हैं। अच्छा, ये आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी बाल्यावस्था, आप लोग कहते हैं ना, आप भी अभी बोल रहे हैं ना, और जग जाहिर है, 20-22 बरस पहले का केस है और उस समय तेजस्वी जी किस उम्र में थे ये सब जनता देख रही है। आरोप ये है ना कि जिन लोगों को नौकरी मिली उन्होंने सस्ते दाम पे तेजस्वी को जमीन दी, आरोप तो यही ना है। अरे तेजस्वी जी उस वक्त क्या जाने गए, तेजस्वी जी तो बाल्यावस्था में थे, ये साजिश किया जा रहा है। मोदी सब लोग डरे हुए हैं तेजस्वी जी से, एक तेजस्वी सब पर भारी पड़ रहा है अभी। सुनिए, हम कल्याणपुर से विधायक है राष्ट्रीय जनता दल के। क्या नाम है? मनोज कुमार यादव। तेजस्वी रेल मंत्री नौकरी देते हैं, कितना लोग को नौकरी, सब झूठा है, चैत हनन का काम है। भाजपा आरएसएस के लोग जब जीतते हैं नहीं लड़ाई में तो चैत का हनन करते हैं, दबाते हैं, ईडी सीबीआई के बल पर पार्टी को तोड़ते हैं, जबरदस्ती जेल में चलने वाला नहीं है बिहार में। सब लोगों को गर्व है, तेजस्वी जी A to Z के नेता है और ये किसी के बस में नहीं है कि ईडी और सीबीआई से रोक, किसी भी परिस्थिति में डरेंगे नहीं, आपका ये कहना है? वाले लोग हैं जी, जब लालू जी नहीं डरे तो तेजस्वी जी डरेंगे? हम लोग कर्पूरी ठाकुर के वंशज हैं, जेपी के हैं, लोहिया के अनुयायी हैं, समाजवादी लोग हैं, हम लोग डर जाएंगे? ये बहुरूपिया से डर जाएंगे हम लोग? कोई नहीं डरेगा, ये लोग मिट्टी में मिल। तो नहीं ना है कि सिर्फ लालू परिवार पे जांच एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी जांच चल रहा है, हेमंत सोरेन तो गायब ही हो गए, जो इनके विरोध में बोलेगा उस पर शिकंजा ये लोग कसेगा? ये लोग पार्टी को तोड़ता है, डरवाता है, ये लोग हिटलर का वंशज है। जब अंग्रेज का सूरज अस्त हो गया तो मोदी क्या है, इनका भी सूरज अस्त होगा और नहीं चलेगा, ये लोग भी मिट्टी में मिल जाएंगे। देखिए, आरजेडी के जो भी नेता हैं सीधा कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, यही रटा रटाया बयान ये लोग बार बार देते हैं जब भी जांच एजेंसियां शिकंजा कसती हैं। जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।